Do subscribe to Ikigai channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So now we solve next problem, that is question number 4. For me, if x raised y is equal to e raised x minus y, then show that dy upon dx is equal to log x upon 1 plus log x bracket ka square. So, yahan par hame x raise y, that is function raise function given hai, is equal to e raise x minus y, wahan se hum start karte hai. So, x raise y equal to e raise x minus y. अभी x raise y function raise function, तो यहाँ पे कोई भी formula नहीं है to find derivative, तो इसका मतलब है इसे हमें simplify करना पड़ेगा. So, हम यहाँ पे logarithmic function की technique apply करते हैं, या we use rule according to differentiation of logarithm technique. तो वहाँ पे हम क्या करते थे, taking log on both side. और दूसरी बात, अगर हम आंसर को ऑब्जर्व करते हैं तो आंसर में हमें क्या चाहिए, dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x. अभी अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन है x raise y equal to e raise x minus y, तो यहाँ पे कहीं भी आपको log नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर में log चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें log लेना ज़रूरी है. सो टेकिंग logarithm या simply log लिखा, then also okay. So taking logarithm on both side, we get क्या मिलेगा हमें, log x raise y is equal to log of e raise x minus y. अभी log का हम power rule apply करते हैं, power में जो number है वो कहाँ आना चाहिए, log के आगे. So we get y times log x, so y into log x, यानी power का number आगे आया, is equal to, अब यहाँ पे power में क्या है, x minus y. So we get x minus y into log e. तो यहाँ पे मैंने log rule apply किया, since log a to the base b raise k रहेगा, so we write k times log a to the base b. So therefore y into log x is equal to x minus y. लॉगी है, लॉगी का आंसर क्या आता है, 1, सिंस लॉग ऑफ ई मंथ्स 1, देन वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई. उसके बाद हम वाई टर्म लेफ्ट में कलेक्ट करते हैं, सो पहला y कनेक्टेड टर्म है, y इंटू लॉग x, माइनस y को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो हो गया प्लस y इज इक्वल टू x. नेक्स्ट स्टेप में हम y कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, log x प्लस 1 इज इक्वल टू x. अभी ये ब्रैकेट यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर रहा है, सो देयरफॉर इसे हम अगर राइट में शिफ्ट करते हैं, सो फाइनली वी गेट y इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1. सो ये हुआ मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट
with respect to x. सो अभी ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये हम करेंगे बाय यूजिंग u अपॉन v रूल. सो यहाँ पे x कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूमरेटर में. इसे हम डिनोट करेंगे u से. log ऑफ x प्लस वन कहाँ पे प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में. इसे हम डिनोट करेंगे v से. और फॉर्मूला फिर से मैं रिवाइज करता हूँ. वी कीप v एज इट इज. फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे u का, दैट इज डी यू बाई डी एक्स. फिर माइनस u सेम रहेगा. फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे v का, तो होगा डी वी बाई डी एक्स एंड टोटली डिवाइड बाय v स्क्वायर, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर v नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो अपने क्वेश्चन में u क्या है? x. और v क्या है? log x प्लस वन. तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा. therefore y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx इज इक्वल टू, अभी v सेम, v क्या था? log x प्लस वन, इसे मैंने सेम रखा. d by dx, अब मैं डेरिवेटिव किसका निकालूंगा? u का. u टर्म क्या था? x. उसके बाद माइनस, नाउ u सेम, यानी x को मैंने सेम रखा. अब मैं डेरिवेटिव किसका निकालूंगा? v का. v को रिप्लेस किया मैंने log x प्लस वन अपॉन v स्क्वायर. और v स्क्वायर क्या था? v टर्म था log x प्लस वन द ब्रैकेट स्क्वायर. therefore dy upon dx is equal to first bracket log x plus 1, we write as it is. अब डेरिवेटिव हमें किसका निकालने का है? तो d by dx of x, तो x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1. उसके बाद माइनस साइन, देन द टर्म x को हम as it is लिखते हैं. उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है हमें log x प्लस वन का, तो log x का डेरिवेटिव बाय फॉर्मूला से आता है 1 बाय x प्लस वन. वन कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव आता है 0 अपॉन log x प्लस वन द होल स्क्वायर. वी राइट एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में आएगा therefore dy by dx is equal to, अभी log x प्लस वन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो मुझे आंसर मिलेगा log x प्लस वन. उसके बाद माइनस, अभी x से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट को, तो x इंटू वन बाय x, तो यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, मुझे आंसर मिला 1. देन x इंटू जीरो, तो मुझे आंसर क्या मिल गया? 0. सो x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे टोटल आंसर मिला खाली माइनस वन. उसके बाद टोटली अपॉन log x प्लस वन द होल स्क्वायर, वी राइट एज इट इज. उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है फ्रॉम न्यूमरेटर. So we left with log x upon log x plus 1 the whole square. So इसी तरह मैंने प्रूफ किया dy upon dx is equal to log x upon log x plus 1 bracket square. तो ये था हमारा question number 4 का solution.